हेलो फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शरद पूर्णिमा है तो मैंने बनाई है आज चावल वाली खीर। आई होप आप सब ने भी बनाई होगी, तो वही खीर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक भगोनी लेंगे और उसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सरस का गोल्ड दूध लिया है। हम इसे चलाते हुए गरम करेंगे एक उबाल आने तक। बाउल लेंगे और अभी हम लेंगे एक मुट्ठी चावल। जी दूध में एक मुट्ठी चावल लगते हैं। हम चावल को 3 से 4 बार पानी से वॉश करेंगे अच्छे से। चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी हम इसे भिगो देंगे करीब 10 मिनट के लिए। दूध में भी उबाल आना शुरू हो गया है और अभी हम डाल देंगे भीगे हुए चावल का पानी हमने निकाल दिया था। और अभी हम चावल को मिक्स कर लेंगे अच्छे से दूध में। साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ नारियल, जो मैंने इस तरह से नारियल को कट किया है, चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा नारियल। इसे मिक्स करते हुए कुक होने देंगे। खीर को कुक होते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं और अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और थोड़े पिस्ता। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। को कुक होते हुए करीब 20 मिनट हो गई है और ये क्वांटिटी में भी कम हो गई है। चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं और अभी मैं डालूंगी इसमें 1/4 कप चीनी। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खीर को कंटिन्यू स्टर्न करते रहेंगे, नहीं तो खीर पैंदे में लग सकती है। 4 से 5 कुटी हुई छोटी इलायची डाल देंगे, खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। खीर अच्छे से कुक हो गई है और गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद। अभी हम स्टील के बाउल में खीर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। टेस्टी सी खीर हमारी बनकर तैयार है और इसे थोड़ा गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता से। तो शरद पूर्णिमा के लिए खीर हमारी बनकर है और अभी हम चांद के पास लेके जाएंगे इसे छत पर। चांद की रोशनी में रखेंगे करीब 10 बजे तक। सब भी इस तरह से खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते होंगे। मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।